जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान में किसानों को सभी योजनाओं का लाभ और पशुपालन से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ अब अपने ही मोबाइल फोन से मिल जाएगा घर बैठे। एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है सरकार ने, जिसके माध्यम से आपको घर बैठे ही सभी योजनाओं की जानकारी मिल जाया करेगी। तो इससे की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, कौन सा ऐप है, किस प्रकार से क्या क्या खबर है, सारी की सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। आज की ताज़ा खबर आई है, तो ये अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन मित्रों पर जाना पड़ता है, कोई योजना की जानकारी लेने के लिए हमें किसी से पूछना पड़ता है। तो इस प्रकार से अब ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी की ताजा खबर है, उसको हम समझने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देखते हैं। राजस्थान में किसानों की सभी योजनाएं 2024, पशुपालन विभाग की सभी योजनाएं अब घर बैठे मोबाइल ऐप पर मिलेंगी, सरकार ने दिए आदेश। जी हाँ दोस्तों, ऐप लॉन्च किया गया है, जिस ऐप में सारी की सारी योजनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके सभी जवाब दे देंगे दोस्तों। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हम कॉन्टैक्ट कैसे करोगे हमसे? ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी मैसेज करोगे तो तुरंत उसका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा, ठीक है साहब? हाँ, अब आ जाओ फटाफट से देखते हैं। ये देखो, कृषि व पशुपालन से जुड़े परिवारों के लिए अच्छी खबर है, यानी कि अच्छी खबर है किसानों के लिए भी। पशुपालन जैसे भाई गाय भैंस बकरी, किसान आदमी तो सबकी पालेगो, पशु भी पालेगो, है ना, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट और भाई घोड़ा गाढ़ा ये सब पालते हैं आजकल। तो कृषि व उद्यान विभाग के बाद, इसके बाद का मतलब यह है कि कृषि और उद्यान विभाग, इनकी तो एक साल पहले ही जोड़ दी गई थी योजना इस ऐप पर, ठीक है, ये तो पहले से ही जुड़ी हुई है, अब नई जोड़ी गई है। और बाकी की सरकार ने अब पशुपालन विभाग से जुड़ी योजनाओं को भी राज किसान सुविधा ऐप पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो मोबाइल ऐप कौन सा है साहब? ये नाम है इसका राज किसान सुविधा ऐप, ये ऐप लॉन्च किया है सरकार ने। ये अभी ना भी दिखाए तो ऐसे मत सोचना कि साहब ये तो दिखाई नहीं रहा है, अरे लॉन्च किया है, अभी अभी चालू करेंगे तब जाके आपकी योजनाएं दिखेंगी, इसमें सारा चीज होगा, ठीक है ना। जैसे अब ये जो है राज किसान सुविधा ऐप, ये जो है ये राज किसान साथी पोर्टल से लिंक किया गया है। अगर अब हम राज किसान साथी पोर्टल खोलते हैं मोबाइल में, या जन सूचना संपर्क जो है उसको हम खोलते हैं, तो उसमें योजनाएं दिखाई देती हैं, तो उससे भी ज़्यादा योजनाएं इसमें दिखाई देंगी राज किसान सुविधा ऐप में। फिर ऐप में देखो आराम से किसाना की सारी योजना मिलेंगी, फसल बीमा की योजना सारी की सारी है, और तुम्हारी जो पशुओं की बीमा के वगैरह की योजना है वो सारी की सारी मिलेंगी। किसानों से संबंधित जो भी है, जैसे भाई फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हो गया है तो उसका कैसे मुआवजा मिलेगा, ये सारी योजना, और भाई तुम्हारी और भी अलग अलग जो योजनाएं होती हैं वो सारी की सारी योजनाएं इसमें देखने को मिलेंगी। बीमा करवाना है, पशुओं का करवाना है तो कैसे करवाएं, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। केसीसी लोन माफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किन किसानों का माफ़ होगा, किन का नहीं होगा, सारी की सारी जानकारी थाने ऐप में मिलेगी बढ़िया तरीका से। लेकिन अभी इसको थोड़ा चालू तो होगा दो हैं। अब ये देखो, केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी इस ऐप में मिल जाएगी आपको। जैसे भाई केंद्र सरकार की योजना हुई, राज्य सरकार की योजना हुई, वो सारी जानकारी इसमें मिलेगी राज किसान सुविधा ऐप में। अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आपको एक मित्र पे जाना पड़ेगा। अगर कोई बढ़िया पढ़े लिखे हुई हो, कोई बहु बढ़िया पढ़ी लिखी हुई, तो वह खुद भी अपने मोबाइल से आवेदन कर देगी, ना तो फॉर्म फीस लागी, ना थारा लपड़ा आबा जाबा का, खुद का ही मोबाइल से आवेदन कर दो, योजना का लाभ ले लो। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर चले जाना आप, ये मत सोचना कि ना साहब मैं तो खुद ही कराऊंगा, ना
अगर तुमसे नहीं हो तो आप मित्र से ही करवाना, किसी भी योजना का आवेदन करवाना चाहते हो तो, ठीक है ना, वरना फिर बाद में दिक्कत आएंगी तो फिर आपको बाद में जाना पड़ेगा, फिर वो पैसे ऐंठ लेगा, फिर कहेगा ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो इतने रुपए लगेंगे, 1000 रुपए लगेंगे। तो इससे बढ़िया है आप अपने मित्र से संपर्क कर लेना कि भाई इस योजना के फॉर्म भरना है, ये चीज़ें हैं, ठीक है भाई। योजना का पता तो आपको पड़ ही जाएगा आपके ऐप में, मोबाइल में। अभी मित्र पे जाके बोल देना कि ये योजना चल रही है, इसका फॉर्म भरना है, तो वो अपने आप बताएगा कि हाँ भाई चल रही है, इसके ये सिस्टम है, ठीक है। ओलावृष्टि व शीतलहर से फसल खराब होती है तो किसान फसल बीमा कंपनी को भी उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर मान लो भाई बाढ़ आ जाए या और कुछ समस्या हो जाए, सूखा काल पड़ जाए, फसल नहीं हो पाई है, तो इन तमाम तथ्यों के ऊपर आप शिकायत करवा सकते हैं। योजनाओं की जानकारी आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लगा कर ली जाएगी, यानी कि आपको योजना की जानकारी तभी मिलेगी जब अपने आधार कार्ड नंबर और जन आधार कार्ड नंबर लगाओगे ना उस ऐप में, तब आपको सारी की सारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी साथियों ताज़ा खबर जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से शेयर की है, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, ये न्यूज़ आपको मिलेगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर डाल दी गई है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इस योजना का पूरा PDF है वो मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूँगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।